हेलो फ्रेंड, दीपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हरतालिका तीज का ये हमारा मुख्य हिंदू त्योहार है, जिसमें हम महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को करते हैं। उस दिन हम पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, फिर इस व्रत को पूरा करते हैं। तो व्रत का पहले हम महूर्त जान लेते हैं कि हरतालिका तीज का महूर्त क्या है। हरतालिका तीज 2024 का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 5:45, 7:30 तक। इस समय में आप पूरे विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह स्नान करना पड़ता है, फिर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। उस दिन हम नए कपड़े ही पहनते हैं, नई साड़ी, नया सूट कहीं पर पहनते हैं तो नया सूट। वैसे तो हर पूजा हमें साड़ी पहन के ही करनी चाहिए, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं अपना मनचाहा पति पाने के लिए, और हम शादीशुदा महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर की सुख शांति के लिए। तो सबसे पहले हम स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, फिर पूजा स्थल पे साफ सफाई करेंगे। वहां पर माता पार्वती और भोले बाबा की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर हो सके तो आप मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा करें, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग का ही बहुत महत्व होता है कि उस मिट्टी का शिवलिंग बना के हम पूजा करते हैं और अच्छा सुंदर सा उनका सिंहासन सजाते हैं और फुलेरा बनाते हैं, यानी कि एक मंडप बनाते हैं जो पत्तियों फूलों से सजा के हम अच्छा सुंदर सा मंडप सजाते हैं। फिर उसके नीचे हम माता पार्वती और भोले बाबा को बिठाते हैं, फिर उनकी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। बाद में फिर उनको धूप दीप फल निवेद्य मिठाई श्रृंगार का सामान सब चढ़ाते हैं, दक्षिणा। फिर उनसे व्रत की शुरुआत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा व्रत स्वीकार करना और अच्छे से बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा व्रत संपन्न हो जाए। इस दिन निर्जला व्रत कहते हैं, वो कहीं कहीं चांद उगने पर इस व्रत को खोल लेते हैं, और हमारे यहाँ तो इस व्रत को नहीं खोलते। दूसरे दिन सुबह में जो हम मिट्टी के शिवलिंग बनाए रहे थे उनका विसर्जन करने के बाद फिर हम इस व्रत को खोलते हैं, और कहीं कहीं खोल लेते हैं। कोई अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हो या कोई बीमार हो, नहीं दिन भर निर्जला व्रत कर सकते, तो वो चाय या फल लेके इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत निर्जला ही करना है, क्योंकि जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से व्रत करें तो अच्छा रहता है, ताकि आपको भी खुशी मिले व्रत करने में। पता चले कि दिन भर निर्जला व्रत कर रहे और हिम्मत ही नहीं है पूजा करने की, ना तैयार होने की, तो व्रत का मतलब नहीं है। इसलिए जैसे आप स्वस्थ हो उस हिसाब से इस व्रत को करें, और इस दिन आप माता पार्वती और भोले बाबा से अपने मन की कामना करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करें। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।